नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी। मुकुट बिहारी वर्मा ने अपना राजनीतिक जीवन संघ की सेवा से शुरुआत किया। आज हमारे साथ हैं। आज हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। प्रदेश में सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे मुकुट बिहारी वर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो लंबे समय से राजनीति में रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का जन्म 28 दिसंबर 1945 को बहराइच के एक किसान परिवार में हुआ। उन्होंने लखनऊ में उच्च शिक्षा के बाद बहराइच में वकालत शुरू कर दी। अपनी पढ़ाई के दौरान 1962 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। बहराइच और लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक दायित्वों के साथ ही संघ के नगर कार्यवाहक का दायित्व भी निभाया। वो वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भूमिगत रहकर बहराइच में लोकतंत्र रक्षा आंदोलन के सहभागी रहे। इस दौरान उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। आखिरकार आपातकाल हटने के बाद ही उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस हुआ। इसके बाद उन्होंने जिला कार्यवाह का दायित्व भी संभाला। 1978 में मुकुट बिहारी वर्मा की नियुक्ति ADGC क्रिमिनल के पद पर हुई। 1985 में उन्हें BJP के जिला महामंत्री और 1990 में जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। 1990 में किसान मंडी समिति के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2002, 2012 और 2017 में मुकुट बिहारी वर्मा कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते और आजकल वो सहकारिता मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। अभी आपने देखा मुकुट बिहारी वर्मा जी का संघर्ष से भरा हुआ एक राजनीतिक जीवन। वर्मा जी, हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वर्मा जी, हमने अभी आपका राजनीतिक जीवन देखा। आपने बड़े संघर्ष से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। एक किसान परिवार का बेटा आज यहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? देखिए, हम तो विशुद्ध ग्रामीण परिवेश के हैं और उस गाँव के हैं जहाँ हम लोगों के समय में तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने ट्रेन नहीं देखा था। हमारे गांव से मिला हुआ जंगल है और उसके बाद सीधे नेपाल बॉर्डर है, तो इस नाते हम लोगों के स्कूल जाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जो हमारा स्कूल था वो लगभग 3 किलोमीटर दूर था और बीच में जंगल पड़ता था, तो हम लोग भैंस की सवारी पर बैठकर जाते थे। कोई कहेगा तो हंसेगा आदमी कि भैंस से हमने कक्षा एक पढ़ाई शुरू की है, लेकिन भैंस की पीठ पर ही बैठकर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गई, उसके बाद बढ़ते गए। अब भी हमारे मन में ग्रामीण परिवेश है, गांव का किसान है, गांव के लोग। आप राजनीति में कैसे आए? हम 62 में संघ के स्वयंसेवक हो गए। मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी था और उसी समय संघ का स्वयंसेवक बन गया। तो संघ का स्वयंसेवक बन जाने के बाद फिर संघ के दायित्व हम पर रहे। 71 में मैंने ला कर लिया और उसके बाद मैं वकालत करने लगा, तो दोनों चीज़ों का एक सायुज्य जो बैठा, संघ भी और वकालत भी, दोनों के कारण गांव का भी संबंध रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि 85 में हमारा ट्रांसफर संघ से राजनीति की ओर कर दिया गया। परिवार वाले चाहते थे कि आप नौकरी करें? हाँ, ये तो स्वाभाविक है, परिवार वाले सबके चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के मन में था कि वकालत एक अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं वकालत कर रहा था। आपातकाल में आपने काफ़ी संघर्ष किया, कुछ आपातकाल के संस्मरण बताइए। जिस समय पहली रात में संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा है, हम सारे लोग अपने घरों में सो रहे थे, ये नहीं पता था कि ये होगा। सवेरे पछिलहरा 1-3 बजे पुलिस हम लोगों के घरों में कूद गई, हमारे घर में कूद गई। तो हमको ये शक हुआ कि पुलिस आई है, तो मैं पिछले दरवाजे से मैं भाग गया, घर के लोग सब थे। और उसके बाद पुलिस ने तांडव किया। 10-15 दिन के बाद पुलिस ने PAC लगाकर हमारी सामने की दीवार गिरवा दी, सारा सामान उठा ले गए। परिणामतः पत्नी हमारे बच्चों को लेकर भाग गई मायके, तो घर पूरा खाली रहा। इमरजेंसी भर हम लोग घर पर ताला लगाए थे और कहीं कोई सामान नहीं था, बिल्कुल खाली था। अब जब खाली था, घर नहीं है, परिवार नहीं है, तो फिर फ्री हैंड घूमिए, तो फ्री हैंड घूम रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, इमरजेंसी के खिलाफ जो उस समय संघर्ष था वो कर रहे थे, लोगों को जगा रहे थे। इमरजेंसी की बात अगर आती है तो जैसे कांग्रेस अपना एक राजनीतिक तौर पर बात करती है कि मोदी जी के 4 साल हुए, वो भी एक आपातकाल के बराबर है, जबकि हमेशा जब भी 25 जून आता है तो इमरजेंसी की बात होती है, पूरे देश में इमरजेंसी के बारे में कहा जाता है, उन जो भी यातनाएं उस समय राजनीतिक लोगों को मिली उस पर चर्चा होती है, आप क्या कहेंगे? वास्तव में जिसने इमरजेंसी नहीं देखा है वह तो इस प्रकार कह सकता है कि उस इमरजेंसी में और यह भी इमरजेंसी है, लेकिन उसकी इसकी तुलना भूल जाइए, तुलना तो भूल जाइए। उस समय तो लगता ही नहीं था कि आप स्वतंत्र हैं, पूरा देश एक बार कैद खाना था,
जिधर भी आदमी घूमता था और जरा सा भी लाल अंगूछा डाले है कंधे पर तो भी पकड़कर चला जाएगा। और स्थिति ये थी कि कहीं भी बोल दिए, बार में भी बैठकर हम लोग तो नहीं थे, लेकिन बार में भी बैठकर यदि लोग लोकतंत्र के पक्ष में या इमरजेंसी के अगेंस्ट कुछ बोलते थे तो दूसरे दिन पता लगता था उनको जेल जाना है, बिल्कुल जबान पर ताला बंद था। जैसे हम लोग सुनते हैं कि अभी भी कई देशों में तानाशाह हैं, वहाँ के जुल्मों की हम लोग बात सुनते हैं, तो मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा जुल्म उस हम लोगों ने सारे जुल्म देखे हैं। अब हमारी जो उस समय किताब छपी थी मुक्ति पथ, उसमें हमारे फोटो के साथ जिस दूसरे कार्यकर्ता की फोटो छपी थी, भ्रमवश फोटो बदल गया था, तो उसके दसों उंगलियों से नाखून निकाल लिए गए थे। ये था सीतापुर का, इतनी यात्रा दी जाती थी। और हम लोग तो इमरजेंसी में जब भागते थे तो हमारी तो दोनों ऊपर किए फट गए थे, इसमें खून बहता। इमरजेंसी के दौरान जो जो यात्राएं लोगों को मिली, जो कार्यक्रम चलते हैं, आप लोग जनता को भी बताते हैं और लोग जो आगे आने वाली पीढ़ी उसको भी बताया जाता, तो उसका क्या रिएक्शन मिलता है? देखिए, अपने आप जिसको नहीं एहसास है उसको जब नई बार बताते हैं तो पहली बार विश्वास नहीं होता, लेकिन जब विश्वास करता है तो उसको लगता है कि हम वास्तव में बहुत ही कठिनाई से गुजर कर आए हैं। और उन कठिनाइयों में हम ऐसे भी लोग जानते हैं जिनकी माँ मर गई, जिनके बाप मर गए, वो जेल में निरपराध पड़े रह गए। मुकदमे भी जो लिखे गए तो उपहासात्मक मुकदमे लिखे जाते थे। लिंगड़े को कह दिया जाता था कि ये उस पर चढ़कर, बिजली के खंभे पर चढ़कर खंभा तोड़ रहा था, रेल लाइन उजाड़ रहा था। या गूंगे हमारे जुगल किशोर दीक्षित थे जो हकलाते थे, और उनको लिखा गया था कि ये रोडवेज बस स्टैंड पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। तो ऐसा सब उल्टा पुल्टा हो रहा था कि जिस तरीके से अंग्रेजों का शासन काल में हो, उस समय लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए, उस तरीके से जो इमरजेंसी में लोग थे, इमरजेंसी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उस व्यवस्था के विरोध में संघर्ष किया, उनको भी लोकतांत्रिक सेनानी का एक दर्जा देने की बातचीत चल रही है, कितना आप सहमत हैं? देखिए, लोकतंत्र सेनानी का तो मिला है, सम्मान मिला है, और भी उन लोगों ने संघर्ष किया है, इसलिए उसमें यदि उसकी उसका आदर किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, तो कोई गलत बात नहीं है। हम सब लोग तो जेल नहीं गए इसलिए उसके पात्र नहीं हैं, लेकिन हमको उसका नहीं मिलता है तो भी समाज ने इतना दिया है कि हमको उसका गुरेज नहीं है। वर्मा जी, अगर आपातकाल की बात की जाए तो स्वतंत्रता सेनानी और लोकतंत्र सेनानी में आप क्या फर्क महसूस करते हैं, किस संघर्ष की बात करते हैं? स्वतंत्रता संग्राम एक बहुत लंबा अंग्रेजों के खिलाफ था, और उसको लंबी उसके लड़ते लड़ते बहुत बड़ी यूनिट थी जो लड़ रही थी। ये स्वतंत्रता के बाद मिला हुआ एक आघात था, और इसको क्योंकि जब नहीं मिला होता है उसके बाद मिलता है तो इसकी एक दूसरी स्थिति होती है, और हम आज़ादी से हमारे पास पानी हो उसके बाद छीन ले को, तो इस समय स्थिति थी कि हमारी आज़ादी, मिली हुई आज़ादी को छीना गया था, जबरदस्ती छीना गया था। इसका दर्द अपने अनोखे ढंग का था, लॉन्ग पीरियड का जरूर नहीं था, लेकिन उस समय हम लोगों को लगता था कितना लंबा होगा इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल था। अभी जरूर है कि वो इतनी जल्दी छुट्टी मिल गई, लेकिन उस समय कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कितना समय लगेगा। तो ये माना जाए कि आज़ादी मिलने के बाद भी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, यही है। समय संवाद में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी। वर्मा जी, आप संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए आपकी क्या सेवाएं रहेंगी? अब संघ की जो भूमिका है, निश्चित रूप से समाज के लिए हम काम करते हैं, समाज को जगाते हैं, और उससे उसके बीच में राष्ट्रभाव जगे, व्यक्ति स्वयं में ही अनुशासित और स्वस्थ नजर आए, तो व्यक्ति को अनुशासित और स्वस्थ बनाने के लिए जो तैयारी थी वो करते थे, समाज के लिए जागरूक करते थे, यह काम तो संघ के माध्यम से हम कर रहे थे। लेकिन जब राजनीति में आने का मौका मिला, राजनीति में आए, तो निश्चित रूप से राजनीति में भी काम वही है, समाज को ही जगाना है, समाज के वो अधिकारों के प्रति सजग करना है, कोई छीन रहा है उसको उसी को लाकर वापस कराना है, उसको सहयोग करना है, और वही करते हैं। वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और संघी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, पार्टी में कोऑर्डिनेशन के लिए रहती है। कई बार सवाल उठते हैं कि सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है, संघ को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्या कहना? देखिए, सरकार, ये तो सरकार में और संगठन में तालमेल नहीं है, संघ को हस्तक्षेप करना पड़ता है, ये एक परंपरागत वाक्य हो गए हैं। वास्तविकता बिल्कुल ऐसी नहीं है, वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। सरकार और संगठन में बहुत अच्छे संबंध हैं, और जहाँ तक संघ का काम है, संघ तो हमेशा ये काम करते ही रहेगा, सरकार रहेगी तो, नहीं रहेगी तो,
या राजनीतिक क्षेत्र को नहीं करेंगे तो और जो उसके साथ के सहयोगी हैं उनमें सब में समन्वय बनाने का उसका काम है, तो समन्वय उसको बनाते ही रहना है और हमेशा उसके पास काम है। वर्मा जी, एक महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है ये, जिसका सीधा संबंध जनता से है, जो सहकारी बैंकें हैं, ऋण भी किसान यहीं से लेता है, जो अभी ऋण माफी योजना हुई इसका कितना लाभ सर किसानों तक पहुंचा? अब देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि किसान का बेटा हूं और मुझे सरकार में सहकारिता जैसा विभाग मिला। सहकारिता विभाग में हमें कह सकते हैं कि हर प्रत्येक न्याय पंचायत में यदि किसान का सीधा कोई सहयोग देने वाली यूनिट खड़ी है तो हमारी साधन सहकारी समितियाँ हैं, और उन साधन सहकारी समितियों के माध्यम से किसान के सुख दुख में, माने किसान के खेती संबंधी जो सुख दुख है उसमें हमारी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए, और उपस्थिति दर्ज होती है। हम चाहे उसकी आवश्यकता हो खाद पानी की तो देते हैं, खाद की बीज की, उसका तैयार हो जाता है तो उसके लिए मार्केट देते हैं, ये काम हमारी साधन सहकारी समितियां कर रही हैं। सहकारी संस्थाओं में यानी कि जो भी साधन सहकारी समितियां आपकी हैं, एक प्रजातांत्रिक जो ढांचा होता था वो बिल्कुल बिखर सा गया था, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तमाम अव्यवस्थाएँ थी, तो उसको सुधार करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात पूछी है। आप ये जान लीजिए, इसके पहले जो चुनाव होते थे वो सारे चुनाव कोऑपरेटिव विभाग कराता था। ये पहली बार है कि चुनाव कोऑपरेटिव विभाग ने नहीं कराए है। चुनाव यहाँ इस बार आयोग ने कराया है, सहकारिता का एक निर्वाचन आयोग है, उसने करवाया है, जो हाईकोर्ट के सुपरविजन में करता है। इससे पहले अखबार जब विज्ञापन छापते थे तो किसी लोकल अखबार में छाप देते थे, अब तो हम लोगों ने किसी कोई भी एक भी समाचार हमारा जो चुनाव संबंधित होगा उसको किसी छोटे अखबार में नहीं छापा है। दैनिक जागरण, स्वतंत्र भारत, आपका आज और उजाला, अमर उजाला, इन्हीं सारे बड़े बड़े अखबारों में दिया गया ताकि सार्वजनिक रहे। मजिस्ट्रेट निश्चित रूप से डीएम ही क्यों, एसडीएम या एडीएम रैंक के मजिस्ट्रेट को ही चुनाव अधिकारी बनाएगा। जो पोलिंग स्टेशन होगा वो पोलिंग स्टेशन फिक्स रहेगा। जब इतनी सारी शर्तें लगा दी गई तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि जो दाहिने बाएं से झांक कर आने वाले थे वो भाग लिए। इसमें सबसे बड़ा, क्योंकि हम वैधानिक चुनौती को स्वीकार करके उसको बिल्कुल चैनलाइज करके हम वैधानिक चुनौती में आ गए, तो जो हमारे साथ लड़ेगा, सामना कर पाएगा वैधानिकता में, वही तो रहेगा। जिसको वैधानिक कुछ करना ही नहीं था, सारा वैधानिक करके आते थे, उनको पहाड़ा लगाओ, भाग लिए। इसलिए इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं करनी पड़ी। पिछली सरकार में आपकी पार्टी इसी विभाग पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी कि काफ़ी भ्रष्टाचार है, तो ऐसे कितने भ्रष्टाचार के मामले हैं जो आपकी पार्टी यानी कि आपकी सरकार ने उजागर किए? देखिए, अब गिना नहीं सकते। आप कल्पना करिए, कोई सप्ताह खाली नहीं गया है जिस सप्ताह हम लोगों ने एक दो FIR न लिखाई हो, एक आध लोगों को निलंबित न किया हो, और अब तो थक गए हैं। अब तो कभी कभी लगता है, हमारे लोग कहते हैं अब FIR लिखाना बंद करोगे कि नहीं, निलंबन बंद करोगे कि नहीं, लेकिन रोज कार्रवाई, कोई ना कोई, कोई दिन नागा नहीं, सप्ताह नागा नहीं जाता जिस सप्ताह में एक आध कार्रवाई न की गई हो। लेकिन जब इतनी कार्रवाई करते सब कुछ करते हैं तो अपने आप कुछ ठीक होता जाता है। कुछ तो कहा गया है, एक कहावत है, एक को मारिए तो दो डर जाते हैं, वैसे एक आध पर कार्रवाई करते हैं तो दूसरे सब सीधे हो रहे हैं। और विभाग में क्या क्या नई नई योजनाएं हैं जो सरकार ला रही है जिससे किसानों को फायदा हो? देखिए, विभाग इस बार तो आप कहेंगे, एक जो सबसे बड़ा हमारा विश्वास खो गया था, बैंक का मतलब है होता है विश्वास। जिसने बड़ी विश्वास के साथ हमारे पास पैसा दिया था, 30 साल से हम कह रहे थे, 16 ऐसे जिले हैं जहाँ हम कह रहे थे कि हम पैसा आपको वापस नहीं करेंगे। अब उसका बेचारे का पैसा है, उसने हमको दिया है, लेकिन हम वापस नहीं कर रहे थे। पहली चुनौती हम लोगों के लिए यही थी कि जिसने विश्वास व्यक्त किया है उसका विश्वास बरकरार रखते, इसलिए हम लोगों ने कहा 3 महीने में 5% दो, लेकिन दो। आज उन 16 बैंक में से 8 बैंक हैं ऑन डिमांड, जब चाहिए तो पैसा वापस लीजिए। बाकी 8 बैंक जो बचे हैं उनको 5% प्रतिमाह दे रहे हैं, यदि उनके यहाँ कोई ऐसी आवश्यकता हो गई तो 25% और 50% दे रहे हैं। माने अब विश्वास अर्जित करने के लिए जिसका पैसा जमा है उसका पैसा वापस कर रहे हैं, और ये कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हमको करना ही चाहिए, नहीं कर रहे थे तो वो विश्वासघात था, इसलिए इसको शुरू किया। उसके लिए आज सारे बैंक हमारे जितने हैं सब कंप्यूटराइज हुए, पहली बार है। अब एक भी हमारा कोऑपरेटिव बैंक या उसकी शाखा ऐसी नहीं है जो कंप्यूटराइज ना हो। 3 जिलों में तो हमारी साधन सहकारी समितियां भी कंप्यूटराइज हो गई, रामपुर में, बुलंदशहर में, मुरादाबाद में, ये सारी समितियां कंप्यूटराइज हो गई, और 3 जिलों में हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं। कल को हमारी स्थिति ये हो जाएगी कि हमारे सारे बैंक
DCB, UPCB, LDB और 7479 जो हमारी साधन सहकारी समितियां हैं वह सब कंप्यूटराइज हो जाएंगी, क्योंकि आज की जो प्रतिस्पर्धा है हमारी वह हम लेजर से और उसके आधार पर लिख पढ़कर हम मुकाबला नहीं कर सकते। आज तो हमको मुकाबला करना है तो बैंकिंग के वही इसी पद्धति को अडाप्ट करना पड़ेगा जो अच्छी अच्छी बैंकों की पद्धति है, और इस नाते हम लोगों ने कंप्यूटराइज किया है सबको। उपस्थिति के लिए भी हमने वो सिस्टम लागू किया जो अंगूठा लगाते हैं जिसके कारण उपस्थिति होती है, तो इस नाते ऐप्स लॉन्च किया है। अब हमारे बैंकों में भी यदि आप पैसा जमा करेंगे तो आपका पैसा जमा हो गया, निकालेंगे तो निकल गया, इसकी सूचना आपको मिलेगी। तो इस प्रकार के जितने भी टेक्निक हैं नई, उन सारी टेक्निक को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि किसी को इस बात के लिए न जाना पड़े कि हमसे बेटर ये कर रहे हैं। आगे के दिनों में हम ATM करने जा रहे हैं, हमारे सारे उसमें ATM हो जाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भी अग्रिम पंक्ति में जैसे तमाम नेशनलाइज बैंक हैं उसी प्रकार से हमारा भी स्वरूप हो, और लगभग उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। वर्मा जी से हमारा संवाद जारी रहेगा, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, हमारे साथ हैं मुकुट बिहारी वर्मा जी। वर्मा जी, किसानों पे गेहूं किसान जो क्रय केंद्र हुआ करते थे, ऐसा माना जाता था वहाँ पर काफ़ी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती थी, पिछली सरकार में मिलती थी, इस बार कौन कौन से सुधार किए और कितनी गेहूं की खरीदारी हुई? देखिए, इस बार एक काम तो ये किया कि पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा, किसान के खाते का पहले ही हम उसको इनरोल्ड कराते हैं, और इस नाते अपने आप इसको लीगलाइज करने का हमने एक वे अडाप्ट किया। इसके अलावा अब पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए, अब तक हमारी सरकार 16-17 में 7 लाख मेट्रिक टन केवल गेहूं इन्होंने खरीदा था, लेकिन 17-18 में हमने 19 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा, और 18-19 में 30 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा। तो ये लगातार जो हमारी बढ़ोतरी है, इस बढ़ोतरी में हम उनको 4-5 गुना माने 7 और 30 इतना हम पीछे छोड़ गए। पिछली बार हमारे PCF को 130 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ मिला था गेहूं में, और इस बार 130 करोड़ से ऊपर हम लाभ कमाएंगे। ये सारी परिस्थिति केवल इसलिए बन गई क्योंकि हमने किसान को सीधे जागरूक किया, किसान के पास गए, किसान को ये लगने लगा कि उसका सामान खरीदा जा रहा है, वो हमारे पास आया बिक्री करने लगा। बिचौलिए को हमने दूर हटाया, पहले एक व्यवस्था थी बिचौलिए से खरीद लेंगे, बिचौलिया को भी 1% देंगे, तो उसको ख़त्म कर दिया, बिचौलिया नहीं रहेगा कोई। बिचौलिया हट गया तो अपने आप जो है वो किसान सामने आ गया, और किसान का गेहूं, किसान का धान हम खरीदने लगे। आज किसान का गेहूं 16-17 में जो मैक्सिमम ही खरीदना बताते थे वो 7 लाख मेट्रिक टन था, और आज 18-19 में हमने 30 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद लिया। वर्मा जी, एक बात समझ में नहीं आती कि किसानों की अगर बात की जाए, गन्ना किसानों की बात की जाए, काफ़ी गन्ना किसानों का भुगतान भी हुआ, उसके बाद भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो बाई इलेक्शन कैराना का हुआ उसमें भी गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा ही छाया रहा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, कैराना के चुनाव की चर्चा करें तो कैराना के अन्य विषयों में से महत्वपूर्ण विषय ये था कि वहाँ लोग कहते थे गन्ना का भुगतान नहीं हुआ, और ये बात सही है कि वहाँ के गन्ना किसानों का कुछ भुगतान बाकी भी था। जितना पिछला भुगतान अब तक हुआ होगा उससे कई गुना अधिक हमने भुगतान किया है, लेकिन जहां जो भुगतान नहीं करता उसके बड़े भुगतानों की चर्चा होती है, हमारा थोड़ा ही बाकी रह गया तो वो चर्चा का विषय बन गया कि गन्ना का बहुत बड़ा भुगतान किया लेकिन लोगों का बाकी रह गया। 2-3 कंपनियाँ ऐसी थी जिन्होंने नहीं भुगतान किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और उसके बाद केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ रुपया केवल इस बात के लिए दिया है कि किसानों का बाकी ना रहे। बहुत जल्दी हमारी स्थिति होगी कि हम शून्य की ओर होंगे कि किसान का गन्ने का पैसा बाकी नहीं है। वर्मा जी, अगर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए या भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो प्रदेश में किसानों की समस्या वेस्टर्न यूपी में अलग है, मध्य यूपी में अलग है, पूर्वांचल में अलग है, बुंदेलखंड में अलग है, तमाम जगह जगह अन्य समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं में गन्ना किसानों की समस्या सबसे ज़्यादा वेस्टर्न यूपी में है, उसी तरीके से बुंदेलखंड का किसान है, बुंदेल का किसान भी बड़ा परेशान है, आत्महत्याएं करता है। तो ऐसा कौन सा कोई पैकेज है, ऐसी कौन सी योजना सरकार ला रही है जिससे बुंदेलखंड के किसानों की समस्या का कुछ समाधान हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा, यहाँ एक जैसा नहीं सोचा जा सकता, सबके लिए अलग अलग सोचना पड़ रहा है। बुंदेलखंड के लिए जहाँ कह रहे हैं, पहली बार उड़द
चना, मसूर और सरसों, ये हमने वहाँ से खरीदा है क्योंकि वहाँ की मेन उपज यही सब होती है। इसको भी हमने मार्केट दिया है, और साधारण मार्केट नहीं दिया है, 4200, 4400, 4600 ये है प्रति कुंतल रेट हमने दिया है। अच्छा 20-20, 60-60 सेंटर चला के हमने इन चीज़ों का क्रय किया है। इसके कारण उनको अच्छा रेट मिले, अच्छी मार्केट मिले, ये किसान बुंदेलखंड के लिए हम लोगों ने सोचा है। एक बार किसान नीति भी जब बनेगी, जब ये चैनलाइज कर दिया जाएगा, तब शायद थोड़ा और बेटर हो जाए। लेकिन अभी जो भी किसान ने बोया है उसको हम खरीदेंगे और किसान न परेशान हो, यह सोचकर हम काम कर रहे हैं। वर्मा जी, एक बड़ी समस्या है किसानों की जो सामने देखने को मिल रही है, आवारा पशु। आवारा पशुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वो किसानों को जीना दूभर हो गया, उनकी फसलें बर्बाद हो रही, उसके लिए सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है? हमारी सरकार को तो अभी 1.5 साल हुआ है, आवारा पशु 1.5 साल में सब बढ़ गए ऐसा नहीं है। आवारा पशुओं का पहले से भी था, ये अन्ना प्रथा और ये सारी बहुत पहले से थी। हाँ, हमारे कारण एक चीज़ हो गई, जो पहले ये था कि तमाम गो जबरदस्ती चोरी के ले जाना, काटना, ऐसे पशुओं को काटना जो पशु नहीं काट सकते हैं, प्रतिबंधित है, उनको शुरू कर दिया था। और जब हमारी सरकार ने इन पर कड़ाई से काम किया तो पता लगा कि अब कोई चोरी नहीं करेगा, जानवरों काटेगा नहीं, तो सब और ज़्यादा छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद हम अपना दायित्व समझते हैं, इसलिए इसमें हम लोगों ने काम शुरू किया है। बुंदेलखंड में इतने अब वो बन रहे हैं पशुओं के लिए चारागाह के साथ उनके गृह बन रहे हैं, जिनमें पशुओं को सुरक्षित रखा जाएगा। और धीरे धीरे अभी जो एक झोंक में अब तमाम भीड़ लग रही थी, प्रारंभ में जब सरकार आई थी तब 4 महीने तो लग रहा था कि आवारा पशु वो समस्या हो गया जो चारों ओर है, लेकिन इधर के दिनों में जरा चर्चा है उसकी फिर कम हो। वर्मा जी, सहकारी समितियों की जो भी हैं, साधन सहकारी समिति हैं, सहकारी बैंक हैं, इनके विलय की बातचीत चल रही थी, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है सरकार में लागू जो विलय की? अब एक बार है कि सारे जैसे हमारे DCB है, हमारे UPCB है, हमारी साधन सहकारी समिति है, हमारी ये LDB है, इन सब को मिलाकर एक नया एक सिस्टम खड़ा किया जाए जिससे सब गवर्न हो, ये आया है विषय, इस पर चर्चाएं भी हुई हैं, इस पर लिखा पढ़ी भी हुई है, शोध भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक ये है कि अभी तक जो DCB हैं वो अपने में एब्सोल्यूट हैं, UPCB ये भी अपने में एब्सोल्यूट है, LDB ये भी अपने में एब्सोल्यूट है, सबकी चुनी हुई अपनी संस्थाएँ हैं और हर चुनी हुई संस्था को समर्पण करने के लिए अपने बोर्ड से प्रस्ताव देना पड़ेगा कि मैं अपने को सरेंडर करता हूँ, ये जरा कठिनाई का है। वर्मा जी, एक समस्या आती है कि सहकारी बैंकों की लोन की बात आती है, तो ऐसा कहा जाता है कि लोन जो है जब किसान को मिलता है तो इसकी रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसका कारण है कि सीधा बैंकों से इसका कोई टच नहीं है, तो क्या ऐसी भी कोई संभावना है इसका सीधा रिकवरी बैंक के थ्रू कर दी जाए, या बैंक से सहकारी बैंकों को जोड़ने की कोई योजना है? बैंक से हमारा जो DCB है उस बैंक से तो साधन सहकारी समितियाँ जुड़ी हैं। अभी जो कठिनाई आ रही थी कि रिकॉर्ड वहाँ बैंक में, हम जो खातेदार का रिकॉर्ड था वो हमारी साधन सहकारी समिति में होता था, बैंक से लोन साधन सहकारी समिति लेती थी, साधन सहकारी समिति खातेदारों को देती थी। अब कंप्यूटराइज हो जाने के बाद ये सीधे सब लिंक हो जाएगा, आप एक बार क्लिक करेंगे तो खाता, खातेदार, ये समिति और बैंक तीनों एक साथ जुड़े होंगे। इसके ना होने के कारण ही अभी हम लोगों को कठिनाई हुई, सब व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको लगेगा कि साधन सहकारी समितियाँ भी हमारे सब कंप्यूटराइज होगी। वर्मा जी, कंप्यूटराइज की अगर बात की जा रही है तो सभी जितने विभाग हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग कंप्यूटराइज हो गए, लेकिन आपने अभी तक ट्रांसफर पोस्टिंग कंप्यूटराइज नहीं किया, ऐसा क्यों? अब अभी तो हमारे यहाँ DCB सब कंप्यूटराइज हुए हैं, ये कंप्यूटराइज हुए हैं, अब इनमें ये भी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी मेन प्रॉब्लम है खातेदार हमारा साधन सहकारी समिति में होता है। वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा हैं और काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, आपने भी काफ़ी राजनीति में अपना समय दिया, मेहनत किया, उनसे आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है? बहुत अच्छा है, देखिए वो योगी हैं और हमने उनके योगी होना माने जुड़ना है, वो आज उनका जुड़ाव जो है उत्तर प्रदेश की जनता को मुस्कुराहट देखने में है, और उसका ही परिणाम है कि शायद मैंने सुना नहीं था, मैं मंत्री तो पहली बार हुआ हूँ इसलिए नहीं कह सकता मैंने अपने उसमें देखा नहीं, लेकिन सुना भी नहीं था कि 6 बजे से शुरू करके और 12-1 बजे रात तक लोगों को बैठाकर एक एक विभाग की चर्चा कराई जाए, ये योगी जी ने कराया। आज कैबिनेट रेगुलर हर सप्ताह में हो रही है,
और दौड़े मुख्यमंत्री जी की आप देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे उनको बैठने का कोई समय ही नहीं है। अगर हम मुख्यमंत्री के कार्यकाल की यानी कि आपके सरकार के कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात करें तो किन किन उपलब्धियों को गिनाना चाहेंगे? अब हम सबसे पहले तो हम अपने ही विभाग की बताएंगे, गेहूँ खरीद धान खरीद ये अद्भुत है, क्योंकि इससे पहले लोग कल्पना नहीं कर रहे थे। खाद की आपूर्ति ये अद्भुत है। इसके अलावा अभी हमने ये किया है, किसान का अनाज तैयार हो तो अनाज तैयार होने के बाद अपने घर में मत रखो, आओ हमारे यहाँ रखो। आप हमारे यहाँ रखोगे, हम उसकी सुरक्षा करेंगे, हम दवा पानी उसको देंगे और उसका इंश्योरेंस कराएंगे, और आपको आवश्यकता होती है और आपका जो फिक्स रेट है उसे 30% किसान है तो कम लेंगे, खसरा खतौनी दे दीजिए तो 30% कम लेंगे। और यदि आपको आज बेचना है तो हम आपके एक रसीद देंगे कि इसका जितना पोर्शन जब चाहो तो बेच लो। वर्मा जी, आप राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़ रहे हैं और अगर आज बात की जाए, चाहे आपातकालीन की बात होती है उसी तरीके से राम मंदिर आंदोलन की बात होती है, राम मंदिर निर्माण की बात होती है, तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर जो निर्माण है उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं और कब तक आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि? देखिए, राम मंदिर निर्माण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। समय की बाध्यता तो नहीं कहा जा सकता, बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो चारों ओर के वातावरण हैं वो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल समय सन्निकट है। हालांकि कोर्ट है, कोर्ट का निर्णय आएगा, समाज है, सारे लोग उस प्रयत्न में लगे हैं। वर्मा जी, आपका बड़ा एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव और संघर्ष का जीवन रहा है, कोई ऐसा अनुभव आपका जिसमें आपको लगा कि सब कुछ मिल गया, और कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको विचलित किया? अब विचलित करने का है, 94 में मेरे पास बहुत बड़ा क्षेत्र था, श्रावस्ती से झांसी तक इस पूरे क्षेत्र का मैं सदस्यता प्रमुख था। उसी समय 94 में मेरा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में एक पैर टूट गया, एक पैर का वो हो गया, आँख में सरिया घुस गई, हाथ पैर टूट गए, 32-32 सर्वे टाके लगे, तीसरे दिन होश आया। तो मैं जब जगा तो मुझे होश जब आया तो मैं सोच रहा था मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ, और उसके बाद अपनी दशा देखकर हाथ पैर सबका, उठ नहीं सकता तो वो है, तो मुझे लगता था आखिर जिंदा हूँ क्यों यदि ऐसा है तो बड़ा एक वो अनुभव था। और जहाँ तक उसका आप प्रसन्नता का पूछ रहे हैं, मुझे पहली बार जब बीजेपी ने कहा कि आपको लड़ाया जाना है तो मुझे लगा कि चलो मुझे मैदान में अब लड़ने लायक मान लिया। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी। इनका कहना है कि राम मंदिर का निर्माण अवश्य होगा, कोऑपरेटिव विभाग में जितना भ्रष्टाचार उसको दूर किया जाएगा, किसानों की तमाम समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी हर समय किसानों के हितों की बात करते हैं और उनके लिए दिन रात सोचते हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड सहारनपुर।